नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार। वहीं अमित शाह पश्चिम बंगाल में तो राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। चौबीस की चुनौती में विपक्षी नेता भी दमखम के साथ डटे, मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साधेंगे निशाना। टीएमसी सपा बीएसपी और आरजेडी नेता भी प्रचार में जुटे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल आज मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र में भरेंगे नामांकन। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज भी भरेंगी पर्चा। हिंजिली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुना सकता है अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे हजारों सैलानी सुरक्षित निकाले गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण उधमपुर और रियासी जिले के स्कूल कॉलेज आज बंद। ओडिशा और बिहार समेत दक्षिण भारत में लू से फिलहाल राहत नहीं। पाकिस्तान की संसद में हुई भारत की जमकर तारीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा भारत सुपर पावर बन रहा और हम भीख मांग रहे। पाकिस्तानी सेना पर भी भड़के। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ में बने रहने के लिए मुंबई को हर हाल में जीतना जरूरी। वहीं कल केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 7 विकेट से मात। और सुर्खियों के बाद सीधा रुख कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का। सबसे बड़ी जानकारी सबको मिल रही है जहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच में जो हजारों सैलानी वहां पर फंस गए थे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि कल देर रात तक सभी को वहां से बचा लिया गया है। कल काफी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला। और वहीं धुंधी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण एटीआर के साउथ पोचल के पास 1000 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर फंस गई थी, जिसमें करीब 6000 पर्यटक फंसे हुए थे। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां से जो सैलानी वहां पर फंस गए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से जो सैलानी वहां पर फंस गए थे फिलहाल उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। भारी बर्फबारी की वजह से एटीआर के साउथ पोर्टल के पास में लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे वाहन थे जो वहां पर फंस गए थे और जिसमें 6000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। फिलहाल उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नंदनी मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। नंदनी, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक तरह से देखा जाए तो करीब 6000 पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे, कितनों को वहां से निकाल लिया गया और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? गर्मी की वजह से बहुत सारे पर्यटक इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, तो इसी वजह से जब से रोहतांग दर्रा बंद हुआ है और अटल टनल बनी है तब से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली से होते हुए लाहौल पहुंचते हैं और वो वहां पर बर्फबारी का नजारा लेते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ देखी जा सकती है। कल भी बहुत एक बड़ी संख्या में पर्यटक वहां गए और अचानक बर्फबारी की वजह से 1000 के आसपास गाड़ियां वहां पर फंस गई यानी फिसलने लग गई कुछ जो है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस
मुस्तैदी की बात करें और क्योंकि ये लगातार वहाँ पर होता रहता है, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाते हुए उन पर्यटकों को देर रात 1 बजे तक वहाँ से निकाल लिया। और फिलहाल जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके अनुसार मौसम साफ है और पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि किसी और इलाके में यदि कोई पर्यटक फंसा हुआ है या वाहन फंसा हुआ है उसे भी निकाला जाए। जी जिस तरीके से देखा जाए तो अभी फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति है, आखिर कितने दिन और इस तरीके का मौसम वहां पर बना रहेगा नंदनी? हिमाचल प्रदेश में जो है वो मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, यानी हर रोज बारिश हो जाती है, कहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो जाती है। हालांकि मौसम बर्फबारी का नहीं है, लेकिन आप जो है अप्रैल के महीने में भी दिसंबर की ठंड का अनुभव यहाँ ले सकते हैं। यही कारण है जब निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, ऊपरी किन्नौर, लाहौल स्पीति के इलाकों में पहुंच रहे हैं। मनाली जो कि पहले से ही बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी संख्या में वहां पर्यटक पहुंचते हैं और जब वो मनाली पहुंचते हैं तो वे अटल टनल से होते हुए लाहौल का नज़ारा लेना नहीं भूलते हैं। कई बार कोशिश की गई जब खराब मौसम को पर्यटकों को रोका जाए, लेकिन किसी ना किसी रास्ते वे वहां लाहौल पहुंच ही जाते हैं। कल भी जब मौसम सुबह साफ था बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे, लेकिन दोपहर बाद बर्फबारी की वजह से वहां फंस गए। देर रात तक वहां बर्फबारी होती रही और बाद में जो है फंसने के बाद जब पुलिस को और प्रशासन को खबर पहुंची उन्होंने मुस्कुराते दिखाते हुए उनको वहां से निकाल लिया। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नंदनी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से वहाँ पर मौसम बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम बिगड़ भी रहा है, भारी बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में जो सैलानी वहाँ पर पहुंचे थे अचानक से भारी बर्फबारी की वजह से वो वहाँ पर फंस जाते हैं, लेकिन प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में नजर आता है और उन सभी पर्यटकों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मौसम की ही कर लेते हैं। दरअसल देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है और किसी राज्य में हीटवेव चल रही है तो कहीं पर बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी के बाद यहां मुगल रोड बाधित हुआ है। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर रियासी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उधमपुर जिले के दूदू, बसंतगढ़, कुलवंता और पंचारी क्षेत्र में भी स्कूल आज बंद है और इसके साथ ही तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहनों के लिए फिलहाल बंद रखे गए हैं। वहीं बारिश लगातार होने के कारण मरम्मत के काम में भी बाधा आ रही है। यात्रियों को ऐसे में सलाह दी गई है कि मलबा हटने तक राजमार्ग से यात्रा ना करें। देश के कई हिस्सों में इस समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और खास तौर पर दक्षिण भारत, ओडिशा और बिहार झारखंड में। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी और अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। वहीं असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। देश के पूर्वी हिस्से में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश की भी संभावना है। वहीं पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। दरअसल दिल्ली में हवा की गति कम और दिशा बदलने से आबो हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां पर सर्वाधिक इलाकों में AQI जो है वो 200 के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच सकती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 16 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का भी अनुमान है। बुधवार को भी हवा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा से चल सकती है। हवा की गति 12 से 25 किलोमीटर रहने के आसार है, तो वहीं गुरुवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 20 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब तेज होता जा रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वो महाराष्ट्र के मालश्रम, उस्मानाबाद और लातूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तेलंगाना के जहीराबाद में भी 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां से भाजपा प्रत्याशी वीवी पाटिल और मेडक से भाजपा प्रत्याशी एम रघुनंदन राव के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूफानी रैली करते हुए नजर आएंगे। 2 राज्यों में कुल 4 रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें से 3 महाराष्ट्र में होगी और 1 तेलंगाना में। और वहीं लोकसभा चुनाव के बीच एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर सीधा निशाना साधते हुए जोरदार हमला किया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की जाति जनगणना के साथ साथ राष्ट्रीय एक्सरे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने वाले सवाल पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सरे का मतलब हर परिवार में जाना है, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा कर रखे हैं तो उसका भी एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छिपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले सीबीआई और ईडी तो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली थी, तो वो कैसे चुनाव हार गए? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडी अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके, इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लूटने की कोशिश करार देते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरणों के जरिए ये इशारा किया कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण पर जोर देती है। ओबीसी के
27% जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% शायद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही, 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया, 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया, एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना सबने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। और चलिए बुलेटिन में अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जो लगातार जारी है, और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल आज लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मुंबई उत्तर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, यहां पर 20 मई को चुनाव होना है, और इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी दिल्ली में। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही बांसुरी स्वराज के नामांकन के दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर चुनावी समर दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पेशे से प्रोफेसर, कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। वहीं उनके खिलाफ महायुति गठबंधन से प्रत्याशी भाजपा के उज्ज्वल निकम है। उज्ज्वल निकम का नाम सामने आने के बाद अब सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक आज हिंजिली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा में 4 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, और राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अन्य चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इससे पहले खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित आज करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का प्रदेश में जमावड़ा लगना जारी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज भिंड में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। तो ये थी तमाम खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई, और फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही।
और चलिए अब लोकसभा चुनावों के बाद में अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। 1985 में वो भारतीय नौसेना में शामिल एडमिरल त्रिपाठी संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। करीब 40 वर्ष के लंबे करियर में एडमिरल त्रिपाठी कई महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स पर काम भी कर चुके हैं। उसमें पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ भी रह चुके हैं। वहीं प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब सफाई सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा गठबंधन से जुड़ी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के चयन के लिए निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सीट से चुनाव लड़ने वाली पार्टी के पास है। सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, अब जिम्मेदारी संबंधित पार्टी पर आ गई है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी इस मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। इससे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से भी पतंजलि को नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई केजरीवाल की याचिका पर कल सोमवार को भी सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं डाली, जिसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 धन शोधन निवारण अधिनियम का दायरा बहुत व्यापक है। साथ ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की नियमित जमानत पर सीबीआई के अधिवक्ता ने ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वो बराबरी के हकदार नहीं है और इस मामले में मुख्य आरोपित है। तो आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई आज नजर आएगी या नहीं। उनकी जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इससे पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। देखना होगा और नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत लगातार भारत का जो डंका है वो बजता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कहा जाए तो पाकिस्तान चाहे जितना भारत का विरोध कर ले, वो जानते हैं कि भारत अब उनसे बहुत आगे निकल चुका है। तरक्की के मामले में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। और महत्वपूर्ण यह है कि अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के अंदर भारत की जमकर तारीफ की है। जमियत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान संसद में पाकिस्तान की बर्बादी का हाल बता रहे थे, और तभी उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफों के पुल बांध डाले। उन्होंने कहा कि भारत अब सुपर पावर बन रहा है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तय ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।